स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू द फोर्थ पार्ट ऑफ फोर्थ चैप्टर। प्रीवियसली वी डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ स्तूपा। व्हाट वाज स्तूपा? स्तूपा मीन्स माउंट्स, माउंट्स मीन्स टीला। ओके, वी आर रिलिक्स ऑफ द बुद्धा सच एज हिज बॉडली रिमेन्स और ऑब्जेक्ट्स यूज बाय हिम वेयर बरीड वेयर नोन एज स्तूपा। मीन्स एक ऐसे टीले के आकार की, एक ऐसे होल्ड के आकार की आकृति या एक संरचना जहाँ पर बुद्ध, गौतम बुद्ध और उनके फॉलोअर्स की अस्थियाँ या गौतम बुद्ध के द्वारा यूज़ किए गए डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स दफनाए गए हैं। ओके, सो द स्तूपास वेयर बिल्ट ऑन द बॉडली रिमेन्स ऑफ गौतम बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स which were used by Gautam Buddha. So these mounts were made on these things. So Ashoka made a lot of stupas in different parts of the India. We discussed it. The stupas at Bharut and Sachi and Sarnath were built by the 2nd century BCE. भरहुत इन सतना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, सांची इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, सारनाथ इन उत्तर प्रदेश। ओके, सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्तूपाज वी आर बिल्ट बाय दी अशोका। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूपा इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। हीप मीन्स होता है ढेर, ठीक है, कलेक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा ऑरिजिनेटेड एज अ सिंपल सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ कॉल्ड अंडा। ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अबव द अंड वाज द हर्मिका, अ बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द एबोर्ड ऑफ द गॉड्स। अराइजिंग फ्रॉम द हर्मिका वाज द मेस्ट कॉल्ड द यस्ती, सराउंडेड बाय अ छतरी और एन अम्ब्रेला। Around the mound was a railing separating the sacred space from the secular world. So, I have made a separate video on the structure of stupa. I will send it. Now come to the early stupas. As I told you, early stupas were built by Ashoka in Sachi, Bharut and Sarnath. The early stupas were plain structure except some stone railings were there which resembled a bamboo or wooden fence, and the gateways which were richly carved and installed at the four cardinal points. Means जो स्तूपा होता था उसके चार गेट होते थे। ओके, और स्तूपा के चारों ओर रेलिंग्स लगी होती थी। जो स्टोन रेलिंग्स होती थी, लेकिन वो कैसी, बैम्बू और वुडन फेंस जैसी दिखाई देती थी। आई हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दीज थिंग्स इन अनदर वीडियो टू अंडरस्टैंड यू इन अ बेटर मैनर। नाउ वी कम टू द डिफरेंट स्तूपाज, द फेट ऑफ अमरावती। राइट द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस। इट इज ऑल्सो गिवन इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। यू विल डू दिस इन होमवर्क साइड। Why did Sachi Stupa survive while Amravati not? Why did Sachi Stupa survive while Amravati not? Means Sachi का स्तूप क्यों बच गया और अमरावती का स्तूप क्यों नहीं बच पाया? ठीक है, अमरावती की जो बात हो रही है, अमरावती गुंटूर आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। एक अमरावती महाराष्ट्र में है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दी अमरावती ऑफ गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। अब अपन डिस्कस करते हैं अमरावती पहले क्यों नहीं बच पाया। द महाचैत्य एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंड ओनली, टोटली डिनेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। द फॉलोइंग फैक्टर्स वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट फेट ऑफ अमरावती। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई अमरावती वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव। फर्स्ट पॉइंट,
In 1796, a local Raja stumbled upon the ruins of the stupas and of Amravati, using its stone to build a temple. Okay, side heading क्या लिखेंगे आए? Role of a local Raja. वहाँ के local Raja ने अमरावती के 1796 में अमरावती स्तूप के जो different stones थे, different structure थे, उनको वो एक मंदिर बनाने के लिए ले गए और उन sculptures के थ्रू उन्होंने एक टेम्पल का निर्माण करा लिया. सोचिए यार, इट वॉज वेरी इजी फॉर द पर्सन लाइक राजा और अनदर ब्रिटिश पीपल टू टेक अवे द ओरिजिनल स्कल्पचर फ्रॉम देयर प्लेसेस एंड टू यूज देम इन देयर म्यूजियम और टू बिल्ड टेम्पल और एनी अदर डेकोरेशन वर्क. नेक्स्ट रीजन वॉज दैट इन 1854 द वॉल्टर इलियट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वन मार्क ऑल्सो. इन 1854 Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. Second point, I said ending, role of Walter Elliot. Sochiya, he was the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh. वो अमरावती गए और उन्होंने कई सारे several sculpture panels को अपने साथ मद्रास ले गए अपने मद्रास के एरिया में डेकोरेशन वर्क के लिए. नेक्स्ट, कर्नल कॉलिन मैकेंजी हु विजिटेड द साइट बट हिज रिपोर्ट्स वी आर नॉट पब्लिश्ड. एक कर्नल मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उन्होंने भी इसके बारे में रिपोर्ट दी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन एक नेक्स्ट चैप्टर में. नेक्स्ट पॉइंट वाज दैट बाय द 1850s सम ऑफ द स्लैब्स फ्रॉम अमरावती हैड बिगन टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस, to the Asiatic Society of Bengal at Calcutta, to the India Office in Madras and some even to London. ठीक है. So role of British officers. तो अमरावती के different slabs को, different stones को कहाँ ले जाया गया? Asiatic Society of Bengal. It was a very famous society or institution of the British people which was located in Calcutta. Even they took the stone sculptures of Amravati stoop to London and वहाँ पर उन्होंने अपने म्यूजियम में इन स्टोन स्कल्पचर को लगा दिया, इसलिए अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया. ठीक है, राजा ने स्टोन उठा कर ले गए, वॉल्टर इलियट साहब उठा कर के ले गए, प्लस अदर ब्रिटिश पीपल दे ऑल्सो टुक अवे द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अमरावती स्तूपा. अब अब इसके अलावा इसके संबंध में एच एच कोल वाज अ वेरी फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और वेरी फेमस हिस्टोरियंस. उन्होंने एक एनिशियंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में अपने कुछ विचार रखे हैं, कुछ थॉट्स रखे हैं. ही रोट, इट सीम्स टू मी अ सोसाइटल एंड इन डिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एनिशियंट आर्ट. ही क्रिटिसाइज दिस कंडक्ट ऑफ द ब्रिटिश पीपल एंड द अदर पीपल ऑफ इंडिया दैट कि ये बहुत सोसाइट मुझे बहुत सोसाइटल लगता है कि किसी भी कंट्री की ऐसी चीज़ों को लूटा जाए कि वो उनका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाए, खासकर आर्टिस्टिक चीज़ों का. नेक्स्ट, ही बिलीव दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट फेसिमाइल्स ऑफ स्कल्पचर वेयर इज द ओरिजिनल शुड रिमेन वेयर दे हैड बीन फाउंड. ही सजेस्टेड दैट कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसी उनकी डुप्लीकेट कॉपी रखिए, जैसे आप जानते होंगे मैडम तुषाद म्यूजियम है लंदन में और अदर प्लेसेस में जहाँ पर डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की वैक्स की स्टैचूज बनी हुई हैं, तो जिनको लोगों को देखना होता है या सेल्फी वगैरह लेनी होती है तो वहाँ जा कर के सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी वगैरह ले लेते हैं. तो आप जो ओरिजिनल चीज़ है उसको आप वहीं जगह प्रिजर्व करिए ना. वाट इज़ द नीड टू टेक अवे, ताकि उसका पूरा एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है उससे. तो ज़रूरत इस बात की है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस रखें, उनकी कॉपीज रखें, और इफ़ एनीबडी वांट्स टू टेक अवे यू कैन गिव इट टू दैट ओनली. अनफॉर्चुनेटली एच कोल डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज अबाउट अमरावती, ऑल दो हिज प्लिया फॉर इन सेतु मीन्स सांची के लिए उनकी इस प्लिया को, उनकी इस अपील को सुन लिया गया, लेकिन अमरावती के मामले में वो सफल नहीं हो पाए. अब देखिए सांची क्यों बच गया. द रोल ऑफ द बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा एट सांची,
ये आंसर का सेकंड पार्ट है, और ये क्वेश्चन अलग से भी आता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूपा ऑफ सांची, भोपाल विच वाज रूल्ड बाय द बेगम्स, सुल्तान शाहजहां बेगम और सुल्तान जहान बेगम, उन्होंने काफ़ी रक्षा करी सांची के स्तूप की, डिस्कस करते हैं हम इसको। अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स ऑफ टाइम इन द स्तूपा एट सांची इन द 19th सेंचुरी यूरोपियन फर्स्ट द फ्रेंच एंड लेटर द इंग्लिश वेयर इंटरेस्टेड टू टेक अवे द ईस्टर्न गेट वे ऑफ स्तूपा टू पेरिस एंड लंदन म्यूजियम्स, ठीक है। फ्रेंच ब्रिटिश पीपल दे जस्ट वॉन्टेड टू टेक द गेटवे ऑफ द सांची ऑल्सो टू पेरिस एंड लंदन, बट शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल टुक अ वाइज डिसीजन टू मेक प्लास्टर कास्ट कॉपीज टू प्लीज यूरोपियंस, दिस रिजल्टेड इन द ओरिजिनल रिमेन एट द स्टेट। देखिए आप, ये बड़ा समझदारी का काम शाहजहां बेगम ने किया, भोपाल की बेगम साहिबा ने, किंतु प्लास्टर ऑफ पेरिस की डुप्लीकेट कॉपी उनको गिफ्ट कर दी। प्लस दे आल्सो फंडेड अलॉट, दे गेव अलॉट ऑफ मनी टू प्रिजर्व द एनिशियंट साइट, द रूलर्स ऑफ भोपाल शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिशियंट साइट। तो उनका रोल मनी प्रोवाइड करने में भी रहा है। म्यूजियम वाज बिल्ट, पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स बाय जॉन मार्शल वाज फंडेड, म्यूजियम बनाया गया सांची स्तूप की प्लास्टर ऑफ पेरिस डुप्लीकेट कॉपीज का, वेयर द पीपल कैन विजिट इट एंड दे कैन हैव अ सीन ऑल ऑफ दिस सांची स्तूपा स्टोन स्क्रिप्चर्स। सांची स्तूपा एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर हैज हेल्प्ड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, टुडे इट स्टैंड्स टेस्टिमनी टू द सक्सेसफुल रिस्टोरेशन ऑफ अ की लेजर साइट बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आज ASI सांची स्तूप का संरक्षण प्रोडक्शन कर रही है। तो ये बड़ा सिंपल था, अमरावती के मामले में कोई आइडिया नहीं अपनाया गया, जस्ट लोगों को फ्री हैंड दे दिया गया, वाट एवर दे वांटेड टू डू दे जस्ट डिड इट, बट ऑन दी अदर हैंड द रोल ऑफ द शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम, दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल टू प्रिजर्व द स्तूपा इन सांची, दे गेव द मनी, दे गेव द प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉपीज टू द अदर पीपल, दैट्स वाई इट वॉज एबल टू प्रिजर्व इन दैट साइट ओनली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। और आप ये जो HH कोल साहब के हमने डिस्कस किए यहाँ पर उनके स्टेटमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा कि उनका भी स्टेटमेंट था कि एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर लोगों को दे देनी चाहिए। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू ड्यूरिंग दिस वीडियो कि इस बार हो सकता है 2021 के नेक्स्ट एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। सो आप ये ध्यान रखेंगे कि वन मार्क के क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ वीडियो में, उसको स्पेशली ध्यान रखेंगे। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्कल्पचर्स एट सांची स्टोरीज एंड स्टोन। देखिए आप, स्टोरीज एंड स्टोन ये क्या कहता है, ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट को समझिए। स्टोरीज एंड स्टोन इट मींस दैट आपने देखा होगा देर आर सो मैनी टेम्पल्स, देर आर सो मैनी डिफरेंट मॉन्यूमेंटल साइट और हिस्टोरिकल साइट वेयर सो मैनी पिक्चर्स हैव बीन मेड, बहुत सारे बने होते हैं, आपने कई जगह गए होंगे आप। वो पिक्चर्स जो पत्थरों पे बनी हुई होती है, जो पत्थरों के द्वारा बनाई गई होती है, वो भी बहुत कुछ स्टोरी कहती है। हिस्टोरियंस उसको समझने का प्रयास करते हैं, एज अ नॉर्मल हिस्ट्री स्टूडेंट हम लोग भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हेन वी लुक इनटू दीज साइट्स वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन रादर देन फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन फ्रॉम अ कॉमन पर्सन। एक कॉमन पर्सन का देखने का तरीका अलग होता है, लेकिन एज अ हिस्ट्री के स्टूडेंट का देखने का तरीका अलग होता है। तो पत्थर भी बहुत सारी कथाएं कहते हैं, इसलिए जो स्कल्पचर में सांची की बात कही गई है, तो सांची के स्तूप की में जो रेलिंग्स में जो बहुत सारी स्टोन स्कल्पचर बने हुए हैं, वो स्कल्पचर भी बहुत सारी कहानियां कहते हैं। दीज स्टोरीज वेयर टेकन फ्रॉम द वेसंतारा जातका, जातका मतलब होता है स्टोरीज ऑफ गौतम बुद्धा, आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जातका मीन्स गौतम बुद्ध के बारे में पुरानी कहानियाँ। देर वेयर स्टोरीज ऑफ वेसंतारा जातका वेयर द प्रिंस गिव्स अप एवरी थिंग टू द ब्राह्मणा एंड गोज टू लिव इन द फॉरेस्ट विथ हिज वाइफ एंड द चिल्ड्रन। तो
तो वेसंतारा जातक कथा में क्या बताया गया है कि एक प्रिंस थे, राजकुमार थे, ही गेव अप हिज ऑल हिज लग्जरियस आइटम्स एंड ऑल हिज मनी टू अ ब्राह्मण फैमिली एंड वेंट टू द फॉरेस्ट एरिया विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. सो दीज स्टोरीज वेयर बिल्ट इन द सांची स्कल्पचर्स. तो ये समझने की जरूरत होती है कि स्टोन्स क्या कहना चाह रहे हैं. नाउ वी कम टू सिम्बल्स ऑफ वर्शिप. क्वेश्चन लिखिएगा, हाउ डू सिम्बल्स टेल्स अस द डिफरेंट स्टोरीज अबाउट द गौतम बुद्धा. अब आप देखिए, गौतम बुद्धा की अर्लियर लाइफ को डायरेक्ट उनकी इमेज से नहीं दिखाया गया है, उनकी कोई मूर्तियाँ कोई स्टैचू नहीं बनाए गए शुरुआत में. इंस्टेड ऑफ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स वी आर यूज टू शो द लाइफ ऑफ बुद्धा. फर्स्ट एम्प्टी सीट, साइडिंग लिखिएगा आप. फर्स्ट सिम्बल वॉज एम्प्टी सीट. एम्प्टी सीट क्या शो करता था? रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा एंड द स्तूपा रिप्रेजेंटेटेड द महापरिनिब्बाना. ठीक है, जो एम्प्टी सीट आप ये अपनी बुक में भी देखेंगे, एम्प्टी सीट बनी हुई है, ये फोटोज बनी हुई है बुक में. एम्प्टी सीट क्या शो कर रही थी कि इस एम्प्टी सीट में बैठ करके गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन की तपस्या की. और स्तूप क्या शो करता है? महापरिनिर्वाण को शो करता है. मीन्स महापरिनिर्वाण वाज अ स्टेज विच वाज फाइनली अटेंड बाय दी गौतम बुद्धा. अब महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, सेल्वेशन को प्राप्त कर लेना, जबकि निर्वाण का मतलब होता है स्टेज ऑफ सोरो, जो दुख की जो अवस्था है उससे मुक्ति पा लेना. एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है निर्वाण और महापरिनिर्वाण में कि निर्वाण आप जीवित रहते हुए प्राप्त कर सकते हैं. इट मीन्स दैट इफ़ यू हैव नो डिज़ायर, इफ़ यू कैन कंट्रोल योर इमोशन एंड योर विशेस, यू कैन गेट द स्टेज ऑफ द निर्वाणा. बट द स्टेज ऑफ महापरिनिर्वाणा टू गेट रिड दिस साइकिल फ्रॉम द बर्थ एंड रिबर्थ, ये आपको आपकी मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकती है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा इस बात को, है ना. नेक्स्ट जो सिंबल है व्हील. देयर वॉज द यूज ऑफ व्हील विच यूज फॉर द फर्स्ट सेरमन डिलीवर्ड बाय द बुद्धा एट सारनाथ. व्हील क्या दिखाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था. इसी व्हील से, ये जो अशोक चक्र जो हम कहते हैं ना, अपना सिंबल है, नेशनल सिंबल में है, ये सारनाथ से ही लिया गया है. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स टेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज और इम्पोर्टेंस. नेक्स्ट है ट्री लिखा हुआ है. जो ट्री है वो बताता है कि ट्री बीनीथ दिस ट्री गौतम बुद्ध ने क्या की थी, मेडिटेशन की थी. फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ ट्री डज नॉट सिंपली फॉर अ ट्री बट सिम्बलाइज एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ द बुद्धा. तो जो ट्री की फोटो बनी हुई आप कहीं देखेगी गौतम बुद्ध के साथ या गौतम बुद्ध या किसी बुद्धिस्ट साइट में, तो वो दिखाएगा कि इस ट्री के नीचे भगवान गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी, उसको वो सिम्बलाइज कर रहा है. हैंस हिस्टोरियंस हैव टू फैमिलराइज देमसेल्व विद द ट्रेडिशन ऑफ दोज हु प्रोड्यूस दीज वर्क्स ऑफ आर्ट टू अंडरस्टैंड सच सिम्बल्स. सम अदर स्कल्पचर्स इट सांची वेर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज. अब देखिए, सांची में ये तो जातक कथाएं तो बनी ही हुई है, जो हमने डिस्कस की जातक कथाएं गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड हैं, बट देयर वेयर अदर स्टोरीज विच वेयर डिपिक्टेड इन द सांची साइट जो डायरेक्टली बुद्धिस्ट रिलीजन से संबंधित नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल अ ब्यूटीफुल वुमेन नोन एज शाल भंजिका, ये भी बनमार का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, ये वाली इमेज भी बुक में बनी हुई है. आप देखिएगा, एक ट्री को पकड़े हुए एक ब्यूटीफुल वुमेन की फ़ोटो है. उसका नाम क्या है उस लेडी का? शाल भंजिका. अब ये कहा क्या जाता है शाल भंजिका के बारे में कि जब शाल भंजिका इस ट्री को छूती हैं, उसको टच करती हैं, तो ये इस ट्री में फ्लावर्स और फ्रूट्स आ जाते हैं. मीन्स जो शाल भंजिका है वो एक देवी का डिटी का काम कर रही हैं, दैट सी हैज़ द पावर टू मेक द ट्री with the full of flowers and with the full of fruits. Many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non
बुद्धिस्ट बिलीफ प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज. मैनी एनिमल्स वेयर आल्सो कार्व टू क्रिएट लाइवली सीन्स टू अट्रैक्ट व्यूअर्स. मीन्स जैसे आपने देखा होगा कई सारे स्टोन स्ट्रक्चर्स में एलिफेंट की, काऊ की या अदर एनिमल्स की भी फोटो बनी हुई होती है, या अदर एनिमल्स को भी उसमें कार्व्ड आउट किया होता है, उनके स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाए गए होते हैं. तो दीज एनिमल्स आल्सो शो सम इम्पोर्टेंस, दीज एनिमल्स आल्सो हैव सम मीनिंग टू से. फॉर एग्जाम्पल, एलिफेंट वॉज कार्व्ड विथ सिग्निफाइड स्ट्रेंथ एंड विजडम. तो एलिफेंट बना देखेगा आपको बुद्धिस्ट साइड में, तो वो क्या शो करता है, स्ट्रेंथ. जैसे एलिफेंट बहुत पावरफुल होता है, वो स्ट्रेंथ और विजडम को शो करता है. अनदर फिगर फाउंड एट सांची स्तूपा इज दैट ऑफ माया, द मदर ऑफ बुद्धा और पॉपुलर गॉडेसेस गजलक्ष्मी. ये भी वन मार्क क्वेश्चन है. मदर माया जो गौतम बुद्ध की मदर थी, उनकी माता थी, उनकी भी फोटो, उनका भी स्टोन स्ट्रक्चर फिगर वहाँ पर सांची साइड में मिलता है. और एक और फेमस गॉडेसेस गजलक्ष्मी है, गजलक्ष्मी, लक्ष्मी जी जिनको हम लोग अपने हिंदू ट्रेडिशन में पूजते हैं, उनकी भी फोटो गजलक्ष्मी की भी वहाँ पर स्टोन स्ट्रक्चर के द्वारा बनाई गई है. द मोटिफ ऑफ अ सरपेंट वॉज फाउंड एट सांची. जेम्स फर्ग्यूसन, अ वेरी फेमस हिस्टोरियन, अ वेरी फेमस आर्कोलॉजिस्ट, अ मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन, कंसिडर्ड सांची इज द सेंटर ऑफ द ट्री एंड सरपेंट वर्शिप्स. एक सांप सांप वगैरह की वहाँ पर स्टोन स्ट्रक्चर्स मिले हैं. ये फोटोज अपनी बुक में बनी हुई है. सो वाट वी अंडरस्टूड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स लाइक ट्री, लाइक एम्प्टी सीट, द व्हील, द स्टोन स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेंट गिव्स अस द डिफरेंट आइडियाज अबाउट द लाइफ ऑफ द गौतम बुद्धा. ठीक है, तो इसको आप अपना आंसर में लिखेंगे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म. वी विल डिस्कस अबाउट द महायान बुद्धिज्म इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.